सब्सक्राइब कीजिए लाइफस्टाइल इन्फो ट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, चीन में कोरोना वायरस के चलते मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये वायरस अब धीरे धीरे दुनिया के सभी हिस्सों में फैलता जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केस लगातार सामने आ रहे हैं। ये देखकर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि दुनिया भर में फैलने के बाद अब ये वायरस भारत में भी दस्तक दे चुका है, जिसके चलते भारत के कई हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोस्तों, ये हो गई कोरोना वायरस के फैलने की बात। अब हम जानेंगे कि कोरोना वायरस क्या है और इसका बचाव क्या है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस बीमारी की चपेट में आप भी आ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि फ्रीकी बॉय नाम का हमारा दूसरा चैनल है जिसमें हम फनी और रोस्टिंग वीडियोस डालते हैं, तो अगर आपको फनी वीडियोस पसंद है तो आप उस चैनल को देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस एक संक्रामक वायरस है जो कि सी फूड खाने से होता है, इसलिए ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में काफी आसानी से फैलता है। कोरोना वायरस इंसानों के सांस लेने की प्रणाली को प्रभावित करता है। इस वायरस को NCOV के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पहली बार इस वायरस को चीन के वुहान सिटी में पाया गया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस जानवरों से इंसान में फैलता है, इसलिए जितना हो सके उतना मांसाहारी भोजन का सेवन कम करें और जानवरों से दूर रहें। तो दोस्तों, ये था कोरोना वायरस के बारे में कुछ जानकारी। अब मैं आपको कोरोना वायरस के कुछ लक्षण के बारे में बताता हूँ। कोरोना वायरस के लक्षण आम सर्दी जुकाम से काफी मिलते जुलते हैं, इसलिए जल्दी ये बीमारी पहचान में नहीं आती। इसलिए इस बीमारी को समझना और इसके उपाय के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको इस बीमारी के कुछ लक्षण के बारे में बताता हूँ। नंबर 1, सर्दी जुकाम और बहती नाक, फिर उच्च बुखार होना, सांस लेने में दिक्कत होना, कफ की समस्या होना, गले में दर्द और जलन सा महसूस होना, सिर दर्द और बेचैनी, मांसपेशियों में दर्द होना, घाव का सड़ना, निमोनिया होना आदि। ये कुछ आम लक्षण है जिससे आप इस बीमारी को पहचान सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको इस बीमारी से बचने के कुछ उपाय बताता हूँ। फिलहाल तो इस समय इस बीमारी से बचने का कोई उपाय और इलाज नहीं है, लेकिन अन्य दवाइयों की सहायता से इस वायरस से ग्रसित पीड़ितों का इलाज किया जा सकता है। आपको बता दें कि वैज्ञानिक इस बीमारी का इलाज तैयार करने में लगे हैं, लेकिन कुछ उपायों से आप इस बीमारी से खुद को बचा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको सारे उपाय बताता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें जो पहले से बीमार हो, खास तौर पर जिन्हें सर्दी खांसी और जुकाम हो। नंबर 2, जानवरों के संपर्क में आने से बचें, और अगर आपके पास कोई पालतू जानवर हो तो तुरंत उसे वैक्सीन दिलवाएं। नंबर 3, कोरोना वायरस सी फूड से फैलता है, इसलिए किसी भी तरह का सी फूड जैसे कि झींगा, मछली या क्रैब्स को अपने भोजन में शामिल ना करें। नंबर 4, ये वायरस संक्रामक है जो कि हवा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। इस संक्रमण से बचने के लिए मुंह पर मास्क लगाकर घर से बाहर निकले। नंबर 5, किसी से भी हाथ मिलाने के बाद हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धोएं। नंबर 6, मांस और अंडों को पूरी तरह से पकाकर ही खाएं। तो दोस्तों, ये कुछ उपाय है जिससे आप कोरोना वायरस से बच सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोरोना वायरस के बारे में काफी जानकारी मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ तो प्लीज से लाइक और शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।